हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैशाख का महीना व्रत त्योहारों की दृष्टि से बहुत खास होता है, क्योंकि ये महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और इस महीने में जितने भी त्यौहार आते हैं बहुत ही खास होते हैं। उन सब में जो सबसे खास है वो अक्षय तृतीया है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया एक ऐसा अबूझ मुहूर्त है जिसमें कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। जी हाँ, अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। इस दिन आप बिना किसी मुहूर्त को देखे शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। साल 2021 में अक्षय तृतीया का जो पर्व है वो 14 मई शुक्रवार को है। कहते हैं कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किया जाए तो उसका कई गुना फल मिलता है। इस दिन गोल्ड खरीदने की भी परंपरा है, लेकिन दोस्तों इस साल कोरोना वायरस की वजह से सभी जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, तो गोल्ड तो शायद ही आप खरीद सकेंगे। लेकिन मैंने अक्षय तृतीया पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा कि अक्षय तृतीया पर आप कैसे पूजा करें, लॉकडाउन में कैसे पूजा करें, किन चीज़ों का दान करें। तो आप हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा और इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कुछ नियमों का पालन करते हैं तो इस तिथि का पूरा लाभ मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो इस दिन वर्जित माने गए हैं। साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन करना चाहिए, जिनके सेवन करने से यानी कि खाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। वैसे भी आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है, तो वीडियो को स्किप करके ना सुने, पूरा सुने, ध्यान से सुने और हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया या फिर आखा तीज भी कहते हैं। शास्त्रों में इस पर्व का, इस तिथि का बड़ा महत्व है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, और यह एक ऐसा अबूझ मुहूर्त है। इस पर्व में कोई मुहूर्त, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले जैसे मुहूर्त देखा जाता है, तो लेकिन अक्षय तृतीया के दिन अबूझ मुहूर्त होता है, यानी कि मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं होती है, कोई भी कार्य कर सकते हैं। इस वर्ष अक्षय तृतीया 14 मई शुक्रवार को है। इस दिन पूजा पाठ और दान पुण्य करना अति लाभकारी माना जाता है। माना जाता है कि आज के दिन किए गए कार्यों का फल अक्षय होता है, यानी कि यह मतलब कोई भी काम आप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो वो कभी खत्म नहीं होता है, उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया की तिथि और शुभ मुहूर्त कब है। साल 2021 में अक्षय तृतीया का पर्व 14 मई शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा और अक्षय तृतीया पूजा का मुहूर्त 14 मई शुक्रवार प्रातःकाल 5:38 से दोपहर के 12:18 तक है और तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 14 मई शुक्रवार प्रातःकाल 5:38 पर और
तृतीय तिथि समाप्त होगी 14 मई प्रातःकाल 7:59 पर। गोल्ड खरीदने का जो शुभ समय है वो 14 मई प्रातःकाल 5:38 से लेकर के 15 मई के 5:30 तक है। मुहूर्त की कुल अवधि 23 घंटे और 52 मिनट की होगी। आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया की पूजा विधि। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन प्रातः स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल पर भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी, कुबेर की प्रतिमा स्थापित करें और सभी को पंचामृत से स्नान करें। इसके बाद आप मां लक्ष्मी को आभूषण से सुशोभित करें और पूजन सामग्री अर्पित करें। सभी के मंत्रों का जाप भी करें। मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, कुबेर जी के मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस दिन दोस्तों घर के स्वर्ण आभूषणों या फिर कोरे सामान, जो भी मतलब बाजार से सामान लाया जाता है उसे कोरा कहा जाता है, कोरे सामान को कच्चे दूध से या फिर जो आभूषण हैं, क्योंकि इस पर लॉकडाउन की वजह से आप नए आभूषण या गोल्ड खरीद नहीं पाएंगे, तो फिर जो घर में रखे हुए हैं ज्वेलरी रखी हुई है गोल्ड की, आप उसे निकालें और उसे दूध से और गंगा जल से शुद्ध करें, स्वच्छ करें। उसके बाद लाल कपड़े पर रखकर कुमकुम से इसका पूजन करें। भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान रखकर इनकी पूजा करें। इसके अलावा गेहूं को भी पूजा जाता है आज के दिन। गेहूं को कनक यानी कि गोल्ड के समान माना जाता है, इसलिए दोस्तों आज के दिन गेहूं को पूजा स्थल पर रखें और अगले दिन इसे लाल वस्त्र में लपेट कर तिजोरी में रख दें, लॉकर में रख दें। ऐसा करने से इससे शुभ फल प्राप्त होते हैं। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी कार्य शुभ फल प्रदान करता है। इस दिन सभी को अच्छे कार्य करने चाहिए। शास्त्रों में इस दिन दान का खास महत्व बताया गया है। इस दिन खासकर जल का दान करना यानी कि जल पानी का या फिर उसके पात्र का, जैसे बर्तन में घड़ा है, गिलास है, पानी की बॉटल है और लोटा है, इन चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही आप अपने सामर्थ्य के मुताबिक अनाज, जौ, तिल और सुहाग का सामान भी आप दान कर सकते हैं। घी, नमक, इन चीज़ों का दान करना अक्षय पुण्य की प्राप्ति दिलाता है, यानी कि इन चीज़ों का दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। माना जाता है कि गर्मी के मौसम में जल से जुड़ी शीतल चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ होता है। इन चीज़ों के दान से व्यक्ति को सौभाग्य और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों, आप अक्षय तृतीया के दिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका सेवन करेंगे तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहेगा। जी हाँ, शास्त्रों में कहा गया है कि जिस तरह अक्षय तृतीया के दिन जब तक दान आज के दिन की गई खरीदारी अक्षय फल देने वाली होती है, ठीक वैसे ही आज के दिन सत्तू का सेवन जरूर करना चाहिए। सत्तू का सेवन करना भी विशेष लाभकारी माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन सत्तू खाने से जातक को साल भर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में धन का अभाव नहीं रहता है, घर में धन का आगमन बना रहता है। इसके साथ ही इस अबूझ मुहूर्त में सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए, तामसिक चीज़ों से बचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आखा तीज के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन
शुभ मुहूर्त में ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में ही पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि हिंदू वर्ष के हिसाब से साल का सबसे पहला विशिष्ट मुहूर्त लक्ष्मी को समर्पित होता है, जिसे अक्षय तृतीया कहा गया है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी स्वयं यानी कि खुद धरती पर भ्रमण करने आती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए और शुभ मुहूर्त में ही पूजा पाठ करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। लक्ष्मी की दिशा दक्षिण मानी जाती है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी विशेष रूप से ईशान कोण में आकर बैठ जाती हैं। यही वो विशेष दिन होता है जिस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हम पर बरसती है। अक्षय तृतीया पर किए गए उपायों से माँ लक्ष्मी को हम अपने घर बुला सकते हैं, माँ लक्ष्मी का हम स्वागत करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, तो माँ लक्ष्मी का हमारे घर हमेशा के लिए स्थायी निवास हो जाता है। इस दिन ईशान कोण में कुछ चीज़ें स्थापित करके भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हैं, जैसे कि माँ लक्ष्मी की चरण पादुका। माँ लक्ष्मी के पांव के निशान बहुत शुभ माने जाते हैं। माँ के सोने या चांदी के चरण पादुका रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है और अभी लॉकडाउन में आप नहीं खरीद सकते हैं तो भी कोई मतलब चिंता की बात नहीं है। आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें और पूजा में शुद्धता के साथ साथ माँ के मंत्रों का जाप करें। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों को बहुत ही ज़्यादा प्रतिबद्ध तरीके से जाना जाता है। इन कौड़ियों को जो माँ को पसंद है, कौड़ियाँ माँ को बहुत पसंद है, तो कौड़ियाँ अगर आपके पास हैं तो उन्हें पूजा में रखें, और क्योंकि कौड़ियों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन 8 पीली कौड़ियाँ आपको ईशान कोण की दिशा में रखनी चाहिए। इसके अलावा आप अक्षय तृतीया के दिन इस दिशा में कछुए को भी रख सकते हैं, ये किसी भी धातु का हो सकता है। नवरत्न कच्छप हो यानी कि नवरत्न कछुआ हो तो और भी बेहतर होगा, और स्फटिक के बने हुए कछुए सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ईशान दिशा में दक्षिणावर्ती शंख रखें। शंख को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, खास तौर से मोती शंख रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, और घर की जो ये दिशा है इसमें आप सुमेरु यंत्र भी रख सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन बांसुरी भी जरूर रखनी चाहिए, इस दिशा में बांसुरी जरूर रखें। इस दिन बांसुरी की पूजा भी करने का विधान है, और इसके अलावा पीतल की घंटी भी रख सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप मिट्टी का कलश रखें, सबसे उत्तम होगा कि मिट्टी का कलश रखें। अक्षय तृतीया के दिन ईशान कोण की दिशा में मिट्टी का कलश रखें, और ये सारी चीज़ें यानी कि जो मैंने अभी बताई हैं अगर आप घर में लाते हैं और इसकी स्थापना ईशान कोण में कर देते हैं तो लक्ष्मी सदैव सदैव के लिए दक्षिण दिशा से ईशान की तरफ आती है, आकर के स्थायी निवास हमारे घर में हो जाता है, यानी कि पूरे साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसती रहती है। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें वर्जित माना गया है और भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, खाली हाथ घर में प्रवेश न करें। जी हाँ, अक्षय तृतीया के दिन कुछ न कुछ खरीदने की परंपरा है। इस दिन गोल्ड खरीदना तो बहुत ही शुभ होता है। माना जाता है कि आज के दिन खरीदी जाने वाली वस्तु कभी भी उसका वस्तु का क्षय नहीं होता है, वो कभी भी खराब नहीं होती है, और मतलब वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इस दिन एक बात का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए कि आज के दिन खरीदारी का बहुत महत्व होता है, ऐसे में घर में खाली हाथ नहीं आना चाहिए। यदि आप गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं
तो अपनी ज़रूरत और अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ सामान जरूर खरीदें। अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा का विधान है, इसलिए आज के दिन विशेषकर पूजा करते समय स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी वहीं प्रवेश करती है, वहीं पर वास करती है जहाँ पर शुद्धता होती है, साफ सफाई होती है। अक्षय तृतीया से पहले ही पूजा स्थल की साफ सफाई अवश्य करें। पूजा स्थल के साथ साथ खुद की भी शुद्धता का ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों, आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि शास्त्रों में तुलसी को बेहद खास और पूजनीय स्थान प्राप्त है। भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत अधिक प्रिय होती है, इसलिए दोस्तों शास्त्रों में ये बात बताई गई है कि अक्षय तृतीया के दिन शुभ दिन पर बिना स्नान करे तुलसी के पत्ते भूल से भी नहीं तोड़ने चाहिए। इसके अलावा क्रोध ना करें, इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्यों के लिए बेहद खास होता है। किसी भी तरह के शुभ कार्यों को करने के लिए घर का वातावरण और मन शांत होना बेहद जरूरी है, इसलिए दोस्तों आज के दिन अपने मन में दूसरे के लिए क्रोध का भाव न रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी और विष्णु जी ऐसे व्यक्तियों के पास नहीं रहती हैं जिनके मन में दूसरों के लिए बुरे भाव होते हैं। इसके अलावा आप किसी का अनादर न करें, क्योंकि यह तिथि अबूझ मुहूर्त में शामिल है। आज के दिन किए गए कार्यों और दान पुण्य का जो फल है वो अक्षय और अनंत होता है, इसलिए आज के दिन कोशिश करें कि अपने से बड़ों का अनादर ना करें, अपने से बड़ों का आदर करें, आदर सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लें, उन्हें खुश करें। घर के बाहर आए ज़रूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ वापस न जाने दें। जरूरी है कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर करें। साथ में आप आज के दिन किसी का दिल ना दुखाएं, सबको मान सम्मान जरूर दें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। अपना लाइक दे करके इस जानकारी को अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।